वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जिसके बाद आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 8 प्रो। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल प्लस सी वाई के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पिक्सल प्लस सी वाई वर्शन 4.3 आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 12 मिल जाता है, 5 फरवरी का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंड्रॉइड बेंच पास को से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड बेंच पास को देखने में मिलेगा, जो कि 2,97,000, जो कि कंपेरिजन में MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है स्टॉक कैमरा मिल जाता है, जो कि ANX कैमरा आप यहाँ पे कह सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको MIUI का कैमरा की तरह ही मिल जाता है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल। उसके बाद यहाँ पे 4K और यहाँ पे जो भी कुछ आपको यहाँ पे MIUI के कैमरे में मिल जाता है, इसके अंदर सभी कुछ आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट वर्किंग नहीं है। ओके, यहाँ पे पोर्ट्रेट एक वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाकी का जो भी है, यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे वर्क था। और उसके बाद यहाँ पे जो कि मोड में आपको यहाँ पे मिल जाता है 64 मेगापिक्सल्स, और यहाँ पे मैनुअल मोड को भी यहाँ पे मैं ट्राई कर चुका हूँ, सभी यहाँ पे वर्किंग है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है, प्रो मोड भी यहाँ पे वर्किंग है, सिर्फ यहाँ पे पोर्ट्रेट यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। स्लो मोशन यहाँ पे आप देख सकते हो, स्लो मोशन में यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है। उसके बाद कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे नाइट साइड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस में यहाँ पे आपको फोटो भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पोर्ट्रेट यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा और वीडियो जो है 1080 पिक्सल्स 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो, मोर में यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद स्लो मोशन यहाँ पे आपको वर्किंग नहीं मिलता है, मोर में पैनोरामा फोटोस्केप लेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक प्योर एंड्रॉयड मिल जाता है, जो कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलता है, जो कि एक प्योर एंड्रॉयड है। उसके बाद कुछ कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे पिक्सल OS का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मोनेट कस्टमाइजेशन मिल जाता है, स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन, जो कि नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो, क्लॉक का आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है, बैटरी का कस्टमाइजेशन यहाँ पे परसेंटेज अनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, क्विक सेटिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बटन्स का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन और यहाँ पे मिसलेनियस आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है नेटवर्क, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 4G VoLTE, वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, ब्लूटूथ, तीनों यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है। और यहाँ पे बैटरी बैकअप में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 16 आवर्स 49 मिनट्स यहाँ पे लेफ्ट शो कर रहा है, जो कि बैटरी बैकअप में यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्राइटनेस लेवल, अडेप्टिव ब्राइटनेस, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी कर सकते हो, लाइव डिस्प्ले। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन और यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है। उसके बाद डार्क थीम को आप यहाँ पे लाइट थीम भी यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लाइट थीम का भी सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट थीम। उसके बाद फाउंड साइज, डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट फिट, नाइट लाइट, इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके आप अपनी आंखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो। टैप टू स्लिप, जो कि डबल टैप करोगे स्टेटस बार पे तो यहाँ पे डिवाइस लॉक हो जाएगा। उसके बाद डबल टैप ऑन दी लॉक स्क्रीन, जो कि डिवाइस लॉक हो जाएगा। उसके बाद ऑटो रोटेशन, उसके बाद एम्बियंट EQ मिल जाता है। उसके बाद स्क्रीन सेवर, टैप टू विक, और यहाँ पे अलो विंडोज लेवल ब्लर्स आप देख सकते हो, स्टेटस बार आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि वॉलपेपर एंड स्टाइल, जो कि अगर आप वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। बेसिक कलर्स को भी यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज में यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, जो कि बोल्ड टेक्स्ट आप अनेबल करना है तो बोल्ड टेक्स्ट अनेबल कर सकते हो, रिमूव एनिमेशन, लार्ज मोइस पॉइंटर, उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि एक्स्ट्रा डिम आप देख सकते हो। उसके बाद डार्क थीम, मैग्निफिकेशन, सेलेक्ट टू स्पीक, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको मिल जाता है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट, दोनों यहाँ पे आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट, टैप अनलॉक, टैप अनलॉक, टैप अनलॉक, टैप अनलॉक, जो कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रॉपरली और यहाँ पे फास्ट वर्क हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फेस अनलॉक, तो यहाँ पे फेस अनलॉक प्रॉपरली और यहाँ पे जो कि यहाँ पे थोड़ा स्लो है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो कि देख सकते हो।
थोड़ा यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे लाइटनिंग कम है तो इसके कारण यहाँ पे फेस अनलॉक में थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद एपनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद प्राइवेसी, लोकेशन, सेफ्टी, इमरजेंसी, पासवर्ड, अकाउंट्स, उसके बाद डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। गूगल, उसके बाद बिगोनिया पार्ट्स मिल जाता है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। चूज इक्वलाइजर आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको हेडफोन चूज करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। परफॉर्मेंस प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो, 1K, 10K, 100K, 200, 1 मिलियन, उसके बाद यहाँ पे 10 मिलियन आप यहाँ पे देख सकते हो कोड्स। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है 464 मेगापिक्सल आपका यहाँ पे सपोर्टेड ओनली द अडेप्टिव कैमरा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कस्टमाइजेशन, और यहाँ पे FPS को भी आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले, हैंड वेव पिकअप, पॉकेट मोड, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी वेक, उसके बाद हैप्टिक फीडबैक का भी सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है कंप्लीट आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 12 मिल जाता है जो कि यहाँ पे पिक्सल प्लस OS, और यहाँ पे अबाउट फोन में देख सकते हो जो कि एंड्रॉयड 12 है, और यहाँ पे पिक्सल प्लस UI जो कि यहाँ पे वर्शन 4.3, और यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको बग देखने को नहीं मिलेगा। ANX कैमरा मिल जाता है, उसके बाद गूगल कैमरा भी मिल जाता है, और यहाँ पे पिक्सल का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में ROM कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको जो है स्मूथ के साथ 90 FPS, उसके बाद HD के साथ हाई का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट 60 फ्रेम रेट का तक का सपोर्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे एक्सट्रीम पे वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 FPS तक का सपोर्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे लैग फ्रेम पर तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आगे आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो।
देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको यहाँ पे विदाउट एनी लैग के आप गेम प्ले कर सकते हो और यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा है, बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे बग देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये रोम के साथ जा सकते हो तो बेशक आप जा सकते हो। और यहाँ पे आप अगर कस्टम रोम पे हो और यहाँ पे कोई भी बैंकिंग ऐप्स यूज़ करना है तो या कैसे यूज़ करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।